हेलो गाइस, डिजाइन शो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुकुल कुमार और आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कैसे आप इस स्केचअप के फाइल के साइज को आप रिड्यूस कर सकते हैं। सो गाइस, यहां पर मैं अभी आपको दिखाता हूं कि इस फाइल का जो साइज है यहाँ पर 102 MB का है। सो यहाँ पर दिखाने के बाद आपको मैं कन्फर्म के लिए यहाँ पर भी देख सकते हैं डोनट प्लस 3 SU 2018 यहाँ पर आप फाइल को देख पा रहे हैं। सो गाइस, इस फाइल को हम रिड्यूस करने वाले और इसको लेकर जाएंगे 30 MB तक। सो यहाँ पर देख सकते हो मैंने कितने सारे कंपोनेंट को और वीरे के इवन जो मटेरियल्स होते हैं, लाइट्स होते हैं, उनको मैंने यूज कर रखा है। सो यहाँ पे मैं बहुत ही छोटा सा एक आपको ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने फाइल को काफी ज्यादा लो कर सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे जो पहले कॉमन ट्रिक होता है अगर आप नॉर्मल स्केचअप यूज कर रहे हैं, सो यहाँ पर आप जाएंगे, आप अपने विंडो पे मॉडल इन्फो पे जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पर पर्ज पर क्लिक करना होगा आपको। जैसे यहाँ पर्ज के ऊपर क्लिक करोगे अब यहाँ पर आपका पर्ज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पर्ज कैसे होता है, सिस्टम जो है यहाँ पर एजेस होते हैं, फेस आपके जितने भी आप ऑप्शन दिख रहे हैं ये उसको अगर कुछ भी डबल रहता है उसमें तो ये उसको लाइट कर देता है। गाइस ये एक सिंपल वे होता है, लेकिन आपको एक और तरीका मैं बताऊंगा जो कि किसी प्लगइन के यूज के थ्रू होता है। वो प्लगइन भी हम आगे बात करेंगे, बट पहले हम ये सिंपल मेथड को यूज करते हैं। सो यस, यहाँ पर उसके बाद ओनली कंपोनेंट पर आप जाएंगे, यहाँ पर ओनली कंपोनेंट को भी जाकर पर्ज अनयूज्ड के ऊपर क्लिक करना होगा आपको। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद फिर फिक्स प्रॉब्लम के ऊपर भी एक बार क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर फिर एंटायर मॉडल पर भी जाएंगे, सेम आपको अनपर्ज एंड फिक्स प्रॉब्लम पर क्लिक करना होगा। अगर इससे आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ पर एक जो एक्सट्रीम लेवल हम यूज करते हैं उसको हम सीखेंगे। सो उसके लिए यहाँ पर आपको एक प्लगइन को डाउनलोड करना होगा। ये प्लगइन एक्सटेंशन वेयर हाउस पे आपको मिल जाएगा, इसका जो लिंक है भी नीचे दे दूंगा। यहाँ पर क्लीनअप 3 करके आपको मिल जाएगा। इसका यूज क्या होता है, आप जो है इससे हिडन जो होते हैं अनयूज होते हैं इरेज कर सकते हैं, डुप्लीकेट फेस है तो इरेज कर सकते हैं, स्प्लिटिंग एज को कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं जिससे कि आप अपने जो स्केचअप फाइल है उसको अच्छे से जो है कंप्रेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर करते कैसे हैं ये यहाँ पर सीखते हैं। सबसे पहले तो आप जो डाउनलोड करेंगे उसको इंस्टॉल करने का तरीका, तो एक्सटेंशन वेयर हाउस पर जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर आप वहां से अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या तो आप एक्सटेंशन वेयर हाउस को खोलकर यहाँ पर उस प्लगइन को भी सर्च कर सकते हैं। जैसे आप सर्च करेंगे, आप इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक्सटेंशन पर जाने के बाद क्लीन अप करके एक आएगा ऑप्शन। सो क्लीन अप करके ये आएगा तो आप सिंपली क्लीन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लीन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा आपको पैनल ओपन होता हुआ दिखेगा। सो गाइस इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हम इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो मॉडल, आप अगर पूरे अपने मॉडल यानी कि जो भी आपका वर्क स्पेस है इसके ऊपर अपना इफेक्ट डालना चाहते हैं, इफेक्ट इन द सेंस आप जो पर्ज करना चाहते हैं पूरे फाइल के थ्रू करना चाहते हैं, सो आप मॉडल के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। लोकल के ऊपर मतलब कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एक लेयर को करना चाहते हैं सो यू शुड हैव टू गो फॉर द लेयर सॉरी लोकल। हाँ एंड जो लास्ट वन है जो आप सिलेक्टेड, मान लो कि आप यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हो एंड उस ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्ट को करना है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको बनाया एंड यहाँ पर एक मैं इसमें लाइन डाल देता हूँ। सो मेरा अभी जो है ये फाइल थोड़ा सा ज्यादा हैवी हो गया है एक्चुअल में। सो यहाँ पर मैं एक लाइन डाल देता हूँ एंड मैं चाहता हूँ सिर्फ इसके ऊपर मेरा इम्पैक्ट मेरे को चाहिए जो भी पर्ज हो। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करूंगा एंड सिलेक्टेड के ऊपर क्लिक कर दूंगा, और मुझे तो शायद क्लिक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर मेरा ये चीज सेलेक्ट था। सो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट आपका आ जाता है, जो यहाँ पर अगर आप इसके थ्रू आप रिकमेंड करना चाहते हैं सो आप इसको इसके ऊपर छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर क्या करता है आपकी जितनी भी क्लीनिंग होती है वो इससे ही स्टार्ट होती है। सो यहाँ पर ये दोनों को आप कंपलसरी है कि आप यहाँ पर टिक जरूर कर लें। आप इसको अगर टिक कर लेते हैं तो जो भी आपका करता है ये काम फाइनल रिजल्ट आपको ये बना के देता है, जैसे कि पर्ज करने के बाद आपको देता है, यानी कि इस तरह से आपको मैसेज प्रोवाइड करेगा कि हाँ आपका पर्ज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर गाइस रिजल्ट वाला रिजल्ट शो करता है, एंड रिकमेंडेड को सेटिंग होती है वो, फिर आ जाता है पर्ज अनयूज्ड। अगर कोई भी लेयर या स्टाइल अनयूज्ड है मतलब कि उसका काम नहीं है कोई भी कंपोनेंट वगैरह, तो ये उसको कंपोनेंट को जो है पर्ज कर देता है। एंड उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हिडन ज्योमेट्री, अगर आप कोई हाइड कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, लेकिन यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाता हूं एक बार करके। सो यहां पर हम आ जाते हैं, एक बार मैं इसको यहां पर किया इसकी कॉपी करने के बाद मैं एक को जो है हाइड कर देता हूं यहां पर।
ये यहाँ से मैंने किया इसको हाइड। सो हाइड करने के बाद गाइस यहाँ पर अगर मैं अब यहाँ पर पर्स यूज करता हूँ और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा ये वाला रेंडर फाइनल है, मतलब ये वाला जो व्यू पॉइंट है ये मेरे लिए फाइनल है, सो यू शुड हैव टू गो फॉर द हिडन ज्योमेट्री। यहाँ से जितने भी हिडन ज्योमेट्री होते हैं वो भी सारा वो चले जाता है, डिलीट हो जाता है। सो करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर जैसा आप चाहें सुटेबल अपने तरफ से टिक करेंगे ऑप्शन को एंड यहाँ पर क्लीन के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर उसी तरह आ जाता है अगर आपको फ्रीज को डिलीट करना है तो फ्रीज के ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेयर करके ऑप्शन है, अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने कितने सारे लेयर्स को बना रखा है एंड लेयर्स की वजह से भी आपकी जो फाइल है वो अलग अलग डिविजन के अंदर बढ़ती है। सो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ एक बार इसको। यहाँ पर मैं अभी आप देख सकते हो कि जितने भी यहाँ पर लेयर्स हैं कहीं ना कहीं मेरी यूज हो रही है। सो आप देख सकते हो सोफा के ऊपर यूज हो रही है। अब मैं एक चाहता हूँ कि जितने भी मेरी लेयर्स हैं वो सारी एक सिंगल के अंदर आ जाए। सो उसके लिए मुझे करना होगा यहाँ पर लेयर जीरो के ऊपर क्लिक एंड उसके बाद मैं यहाँ पर क्लीन पे क्लिक कर दूंगा। सो ये कुछ टाइम लगाते गाइस बिकॉज ऑफ कि आपका जो फाइल है यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो ये होता हुआ भी आपको दिख रहा है यहाँ पर कि कितने परसेंट आपका हो चुका है। ध्यान रहे गाइस अपने फाइल को आप सेव कर ले तभी यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करें बिकॉज यहाँ पर काफी ज्यादा ये टाइम ले लेता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टाइम लिमिट भी आपको देखने को मिल जाता है गाइस। सो हम इसको जो है एक बार होने देते हैं। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था सो स्टैटिस्टिक्स पे अगर आप क्लिक करके रखते हो तो यहाँ पर आपको पूरा रिजल्ट देखने को मिल जाता है कि आपको कितना यहाँ पर इसने रिड्यूस किया है। सो देख सकते हैं यहाँ पर दो जो ज्योमेट्री एडी ज्योमेट्री थी मेरी वो यहाँ पर इसने पर्ज भी की है जो कि मैंने वहां पर लास्ट टाइम ड्रॉ किया था। तो यहाँ से आपको हो सकता है कि यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा एंड आपके जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अब अगर आप इसके ऊपर करोगे इसको हाइड करने की कोशिश करोगे इसके अंदर कुछ भी नहीं है गाइज। सो यहाँ पर होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अभी आप देख सकते हो मैं कुछ भी यहाँ पर कर रहा हूँ तो ये वर्क नहीं कर रही है बिकॉज कि सारा का सारा जो लेयर है वो यहाँ पर मेरा लेयर जीरो के अंदर जा चुका है। तो इस तरह से आप अपने और भी फाइल्स को हैवी कर सॉरी लो कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लीन अप करके एक और ऑप्शन है, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं मटेरियल अगर आपका बहुत सारा मटेरियल हो चुका है यहाँ पर डुप्लीकेट मटेरियल्स तो यू शुड हैव टू गो फॉर दिस ऑप्शन। यहाँ पर आप मटेरियल को भी पर्ज कर सकते हैं तो उसके लिए आप सिंपली इसको करेंगे टिक। टिक करने के बाद आप पर्ज के ऊपर क्लिक करेंगे देन आपका जो भी पर्ज होना होगा मटेरियल अगर कोई भी डुप्लीकेट मटेरियल है वो भी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। फिर यहाँ पर इग्नोर एट्रीब्यूट अगर आप वीरे यूज कर रहे हैं सो इसका ऑप्शन जरूर समझ लें, मेक श्योर आप इसको टिक करके रखें। अगर आप इसको टिक करके नहीं रखते हैं तो अगर आपने कोई भी एलिमेंट यूज कर रखे हैं वीरे के लिए तो ये उसको भी कर देता है डिलीट बिकॉज ऑफ कि एट्रीब्यूट के अंदर वो मेटा डेटा को वो लेता ही नहीं है, वो समझता ही नहीं है गाइस। सो मेक श्योर आप जो है इस ऑप्शंस को जरूर यूज करें। उसके बाद मिल जाते हैं उसी तरह अगर आपको फेस कंपाइल करना है, मतलब यहां पर देख सकते हैं कोप्लेनर वाला कांसेप्ट। सो कोप्लेनर कैसे यूज होता है यहां पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं। सो गाइस जैसे कि लास्ट टाइम हमने यहाँ पर कुछ एक ऐसा मॉडल सा प्रिपेयर किया था एंड इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक डायगोनल लाइन को ड्रॉ किया था। अभी यहाँ पर मैं कंपाइलर को यूज करूंगा सॉरी कोप्लेनर फेस को यूज करूंगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ सेलेक्ट किया है इन दोनों को तो मैं कंपल्सरी मेरे को लगता है कि ये होना जरूरी है बिकॉज की आपको जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाया कि नहीं। सो मेक श्योर आप इसके ऊपर टिक जरूर कर लें एंड फिर कोप्लेनर के अंदर मर्ज कोप्लेनर को कर देंगे क्लिक। सो अभी आप जैसे कि देख सकते हैं इसका मेरे को कोई यूज समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये डायगोनल लाइन का यहाँ पर बिकॉज मैंने नहीं इसमें कोई कलर दिया है ना ही कुछ ऐसा दिया है कुछ खास। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्लीन अप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो नाउ यू कैन सी कि कैसे ये पर्ज हो जाता है एंड गाइस जो एक मैं आपको एडवांस इसका बात बताऊं सो अगर आप यहाँ पर कंट्रोल जेड यूज करेंगे तो आपका ये होगा ही नहीं, मतलब ये रीडो करता ही नहीं है। सो मेक श्योर आप जो कोई भी डिसीजन लें यहाँ पर वो बिल्कुल फाइनल होना चाहिए। सेम उसी तरह यहाँ पर आपको अगर मैपिंग आप यूज कर रहे हैं, मतलब कि आप यहाँ पर जैसे मैंने डायगोनल लाइन को ड्रॉ किया था सेम अगर यहाँ पर आप कलर को यूज कर रहे हैं और उसको अगर आप पर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसी तरह नॉर्मल यूज कर सकते हैं और मटेरियल को यूज कर सकते हैं। उसी तरह यूवी है आपका जो पूरा मर्ज करता है ये पूरे मैपिंग के ऊपर इंपैक्ट डालता है। सो यहाँ पर होपफुली सबको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको ऑप्शन बताए। उसके बाद कैसे यहाँ पर आ जाते हैं एजेस के कुछ सेटिंग। तो यहाँ पर एजेस की सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं यहाँ पर। तो एक बार मैं इसको भी अनचेक करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर एक छोटा सा आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैं अभी आपको एक जैसे कि यही इसी मॉडल को ले लेते हैं, यहाँ पर मैं इसको पुल टूल से बड़ा करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर एक और मैं डायगोनल लाइन को यूज करता हूँ। सो यहाँ पर मैंने इसको यूज किया एंड उसके बाद इस लाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा सेम कॉपी करके ऊपर ले जाता हूँ एंड एक और कॉपी करके इसको मैं नीचे ले आता हूँ। सो ऐसा कुछ लाने के बाद गाइस अभी देख सकते हैं यहाँ पर मेरे जो एजेस हैं यहाँ पर सारे के सारे मतलब इधर उधर बिखरे हुए हैं। सो यहाँ पर फिर से मैं जाऊंगा अपने एक्सटेंशन पर, उसके क्लीन पे क्लिक करूंगा
यहाँ पर मैं इस सेटिंग को रखूंगा, मतलब अगर आपको सिर्फ स्प्लिट एजेस को करना है, अगर मान लो कि सिंगल एक लाइन है एंड ये एक लाइन जो है आपकी वो ब्रेक है, मतलब कि दो पार्ट के अंदर ब्रेक है, तो आपको पहले वाले ऑप्शन को चूज करना है। लेकिन अगर कुछ आपका ऐसा है कि कहीं से भी कोई एजेस जो है वो बाहर की साइड में निकली हुई है, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसी सेटिंग करनी होगी एंड क्लीन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लीन के ऊपर क्लिक करोगे तो जो भी आपकी एजेस वगैरह होंगे अगर वो बाहर है और वो उसका कोई भी यूज नहीं है तो ये यहाँ पर डिलीट कर देता है। उसके बाद गाइस क्वेश्चन मार्क ये है कि बीच वाले लाइन को क्यों उड़ा दिया, बिकॉज कि यहाँ पर मर्ज का को प्लेनर फेस को मैंने सेलेक्ट करके रखा था। अगर आप उसको सेलेक्ट करके नहीं रखेंगे तो आपका गाइस यहाँ पर सही से होता हुआ आपको दिखेगा। सो गाइस ऐसा करने के बाद आप अपने फाइल को काफी ज्यादा लो बना सकते हैं। सो यहाँ पर जो मेरे फाइल का रिस्पांस था वो 23 MB का मैंने इसको बना दिया था इसको चेंज करने के बाद। सो आपको होपफुली सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड वीडियो भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको लाइक करें, कमेंट करें, या आपका चैनल है इसलिए इसको आप सब्सक्राइब करना भी जरूर ना भूले। सो यहाँ पर क्लीन का सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपको सिंगल डायरेक्टली कुछ भी यूज करना है, इरेज हिडन ज्योमेट्री, सो आप डायरेक्टली इसको क्लिक करेंगे और आपको जो पॉज करने का सिस्टम होगा वो यहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो हिडन ज्योमेट्री का रहता है, मतलब अगर आप डायरेक्टली यहाँ से कुछ भी चूज करते हैं ऑप्शन को, तो ये जो है यहीं से डायरेक्टली वो वॉक करना स्टार्ट करता है। मतलब कि यहाँ से अगर आप खोलते हैं तो आपकी जो है क्लीन का एडवांस सेटिंग खुलते हैं। अगर यहाँ पर लास्ट क्लीन विद लास्ट सेटिंग करेंगे तो आपका जो है लास्ट प्रीवियस जो सेटिंग किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम होगा। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। सो गाइस अगर कोई भी फिर भी डाउट आपके पास बचता है सो गाइस आप मेरे से पूछ जरूर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना काफी। सो वीडियो को लाइक करना ना भूले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।